हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है जो आज भागवत कथा में आए हैं, और मैं सभी भक्तों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज हु हैव असेंबल्ड टुडे फॉर द भागवतम क्लास। सो मैं एक भागवतम का श्लोक आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो छठे स्कंद पहले अध्याय और 13वां श्लोक है। तो उसके अंदर वर्णन है, तपस्या ब्रह्मचरेण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचभ्यम यमेन नियमेन वा। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, ये सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं श्लोक, और इसमें नौ चीजें बताई गई हैं। नौ चीजें बताई गई हैं इस श्लोक में कि हमें कैसे भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति करने के लिए कौन से नौ चीजें हैं उसका वर्णन बताया गया है। तो ये नौ चीजें क्या क्या हैं वो हमें देखना है, बताते हैं। तो कॉन्सेंट्रेट द माइंड, मतलब हमारा मन भगवान पे हमें लगा के रखना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तपस्या ब्रह्मचर्येण, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो जैसे हम बताया गया प्रभुपाद में, एक होते हैं गृहस्थ ब्रह्मचारी और दूसरे होते हैं जो है आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करते हैं। तो दोनों में फर्क क्या है, जो ब्रह्मचारी है वो बिल्कुल भी स्त्री संग नहीं करते, और जो गृहस्थ ब्रह्मचारी है वो जो है सीमित रूप से अपना पत्नी का संग करते हैं। तो ये दोनों का भेद बताया है प्रभुपाद ने। और फिर बोलते हैं, ये एक पहला हुआ। फिर दूसरा बताते हैं, वन मस्ट अंडरगो ऑस्टेरिटी ऑफ वॉलंटरी गिविंग अप सेंस एंजॉयमेंट। तो राधानाथ महाराज बताते हैं तपस्या मतलब क्या। तो तपस्या मतलब हमें लगता है कि ठंडे पानी से नहाना, तपस्या मतलब हमें लगता है कि पूरी तरह से एकादशी में निर्जल करना। राधानाथ महाराज बताते हैं, हर पल हमें जो है फ्री चॉइस है, हमारे पास इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्रता है कि हम क्या डिसीशन लेते हैं। अर्थात क्या हम कृष्ण के बारे में सोचते हैं कि कृष्ण की भक्ति करते हैं, या कृष्ण के पक्ष में डिसीजन लेते हैं, तो वो हमारा फ्री चॉइस हम कैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो तपस्या मतलब हर समय हम कृष्ण भक्ति के लिए डिसीजन लें, वो तपस्या है। जैसे बोलते हैं, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम, कि जो भी थिंग्स आर फेवरेबल फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, जो हमारी कृष्ण भक्ति के लिए उत्तम है वो स्वीकार करना, और जो कृष्ण भक्ति के लिए उत्तम नहीं है उसे छोड़ देना। तो भले ही वो कोई खाने की चीज हो, भले ही वो देखने की चीज हो, कोई सोचने की चीज हो, हम किसी पे विचार कर रहे हैं, पर अगर ये भक्ति का अनुकूल है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, और प्रतिकूल है तो छोड़ देना चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखिए, आज के मॉडर्न सेटअप में जिस स्पीड पे हम लोग जा रहे हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, पर ये राधानाथ महाराज ने हमें सिखाया था, जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है और जो मैं चाहूंगा बार बार भक्तों को इसको स्मरण करना चाहिए और याद रखना चाहिए। ये जो गीता में सिखाया गया है, ध्यायतो विषया पुंसा संगस्य सुख जायते, तो जिस चीज पे हम ध्यान करेंगे उस पे संग, उसका संग होगा, उस संग होने से उसे आसक्ति होगी, आसक्ति होने के बाद हमारे मन में इच्छा होगी उसको भोग करने की। जैसे हमने कई क्लास पहले बताया था कि जो जो काम भावना है, हाँ, जो लस्ट होता है, उसके कैसे 10 स्टेज होते हैं, और वो आंखों से शुरुआत होता है, फिर आसक्ति होती है, और फिर काम भावना में प्रेरित होता है, वगैरह वगैरह। तो वैसे ही ये जो चीज मैं बता रहा हूँ कि पहला आता है ध्यान करते हैं, ध्यान करने के बाद उससे आसक्ति होती है, आसक्ति होने के बाद हमें उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है और काम भावना प्रेरित होती है, और फिर वो जो है आगे काम भावना पे अंत नहीं होता, पूरा आपका नाश कर देती है अंत तक। तो राधानाथ महाराज उसको टेक्निकली बता रहे थे कि कैसे इसका वर्किंग होता है। तो हम सबको याद है, हमारे मोबाइल आने से पहले, आज से तकरीबन आप 15-20 साल पहले बोल दीजिए, रेडियो हुआ करता था,
और महाराज ने प्रेरणा क्लास में बताया था कि रेडियो में अगर आपको कनेक्ट होना हो तो उसको फाइन ट्यूनिंग करना पड़ता है। फाइन ट्यूनिंग मतलब आप धीरे 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 उस रेडियो का नंबर पे आते हैं, 90 पे या 100 पे, और जैसे ही उस 100 पे आते हैं तो इमिडिएटली आपका गाना बजना चालू होता है वगैरह वगैरह। तो फाइन ट्यूनिंग करना जरूरी है, और जैसे वो फाइन ट्यून हो जाता है तो हम उस पर कनेक्टेड हो जाते हैं। तो महाराज ने ये हमारे प्रेरणा क्लास में समझाया था कि हम लोग अपना जो है सोच विचार भी ऐसे फाइन ट्यून करते हैं, जिस चीज पे हम फाइन ट्यून करते हैं, जिस चीज का हम सोचेंगे विचारेंगे जिस चीज के ऊपर, तो उसका हम पूरी तरह से आसक्त हो जाएंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। अगर गलत चीज का हम ध्यान कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो हम गलत चीज की तरफ आसक्त हो जाएंगे। तो महाराज बोल रहे थे कि किसी भी चीज को आप ध्यान करें, आप उसमें घुस सकते हैं, भले वो भक्ति हो, भले वो इंद्र भोग हो, भले वो कोई भी चीज हो। तो ये चीज ध्यान रखना है कि हमें पहले जितना आकर्षण नहीं था, इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो जैसे बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मतलब बहुत सारे हथियार हैं जो सबका नाश कर सकते हैं। अभी वही चीज बोलते हैं वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब आपको हर तरीके से आपको जो भक्ति से हटा सकते हैं। तो अभी इतना सब गैजेट्स आ गया है, इतना सब गैजेट्स में इतने सारी चीजें आ गई हैं जिससे हमारा मन जो है इंटरनेट, व्हाट्सएप, यूट्यूब, फलाना फलाना, तो जितना ये सब चीजें रहेंगी तो उससे हमारा मन जो है शांत रहने की जगह ज्यादा विचलित होगा। तो अगर मैं आपको एक बात बताता हूँ कि अगर हम लोग को लग रहा है इन सब चीजों से बहुत आनंद आ रहा है तो स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, लोग खुश हो जाने चाहिए। हाँ, 2 घंटा वीडियो व्हाट्सएप देखा, 2 घंटा फेसबुक पे रहे, 2 घंटा यूट्यूब में रहे, हाँ, तो इतना 6 घंटा होने के बाद आदमी हर्षोल्लासित होना चाहिए, पर उल्टा होता है। ये 6 घंटा होने के बाद एकदम थक जाता है, स्ट्रेसफुल होता है, माइंड जो है संतुष्ट होने जगह फ्रस्ट्रेट होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें संतुष्टि के बनी नहीं है। और हम लोग जैसे वो रेडियो में फाइन ट्यूनिंग करते हुए हम लोग एक जो है रेडियो के नंबर पे पहुंचते थे, सिग्नल पे पहुंचते थे, वैसे हम सब इसमें प्रवेश करते जा रहे हैं। तो राधानाथ महाराज ने इसका कंक्लूजन ही बताया था, आप जिस पे ध्यान करोगे उस पे आपकी आसक्ति हो जाएगी। हम सब जो श्रोता गण है, हम सब भक्त गण है, जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सबके पास चॉइस है, आप किस पे ध्यान करना चाहते हो। आप जिस पे ध्यान करोगे उस पे आपका आसक्ति हो जाएगा। गलत चीज पे ध्यान करोगे आपका पूरा जीवन गलत रास्ते में चला जाएगा। मैं 16 राउंड डिवोटी को जानता हूँ जो भक्ति कर रहा था और मंदिर में काफी एक्टिव था, और जो है वो एक मुस्लिम लड़की के टच में पड़ गया और मुस्लिम लड़की से इतना प्रभावित हो गया कि उसने इस्कॉन छोड़ दिया, 16 माला छोड़ दिया, और वो मुस्लिम लड़की से शादी उसने शादी कर लिया और शायद मुस्लिमों के जैसे ही पूरा जीवन व्यतीत कर रहा है। तो देखिए, ये एक उदाहरण में दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल में आपको प्रूफ बता रहा हूँ कि कैसे कोई किसी चीज से आसक्त होके कैसे पूरी तरह से उसमें डूब जाता है, उसका पूरा जीवन बदल गया है। पूरा जीवन हाल ही में मिला था मेरे को भक्तियन हॉस्पिटल में, अपनी वाइफ को भी लेकर आया था वो, और मुस्लिम के जैसे ही वो बिहेव कर रहा है, सब ऐसे कर रहा है। तो आप जिस पे ध्यान देंगे वैसे आपकी आसक्ति हो जाएगी। तो गीता के 2 अध्याय में जो बताया गया है, ध्यायतो विषयापुंसा संगस्ते सुज्जायते, संगस संजायते कामा, कामा क्रोध अभिजायते। ये हमें लगता है कि अरे ये तो स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए श्लोक है, पर ये श्लोक जो है वो हमें जीवन पर्यंत पालन करना है। गलत चीज पे ध्यान करेंगे हमारा जीवन पूरा बर्बाद हो जाएगा। और भले ही हम 1 पल के लिए ध्यान रखें या आधे घंटे के लिए ध्यान रखें या 10 दिन के लिए ध्यान रखें, जितना आप गलत चीज पे ध्यान करते रहोगे उतना हमारा आसक्ति गलत चीजों के साथ बढ़ता जाएगा। फिर हमारे मन में वही चीज रहेगा और फिर बता देते हैं वही काम जो है क्रोध में बढ़ जाता है। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति ब्रह्मा, बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो ये जो प्रणश्यति आता है, फॉल्स डाउन आता है, तो वो ये मत सोचिए फॉल डाउन आता है सिर्फ आध्यात्मिक स्तर पे, नहीं, ये जो फॉल डाउन है आप मानव प्रवृत्ति से जानवरों की योनियों में भी गिर सकते हो, ये इसका मतलब है फॉल डाउन का, प्रणश्यति का मतलब है। तो इसे हमें जो है उसका मूल भाव पे समझना है पूरा का पूरा ये 2 श्लोक 62 63। आप जिस चीज पे ध्यान करोगे
उसका आप संग करने लगोगे और उस संग से आपकी आसक्ति होगी, आपका काम बढ़ेगा और काम संतुष्ट हो या नहीं संतुष्ट हो दोनों जगह आपका नाश ही है। संतुष्ट होगा तो लोभ बढ़ेगा, ग्रीड बढ़ेगा, और संतुष्ट नहीं होगा तो क्रोध बढ़ेगा, और दोनों के दोनों आपको आगे रास्ते पे वैसे ही लेके जाएंगे। क्रोध भवती सम्मोहा, सम्मोहा वृत्ति विभ्रमा स्मृति ब्रह्म नाश बुद्धि नाश हो, क्योंकि ये आपका इंटेलिजेंस को बिल्ड करेगा। बुद्धि नाश होते ही आपका फिर से पूरा फॉल डाउन हो जाएगा, तो आपका इंटेलिजेंस विल बी लॉस्ट। आपकी जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस आपको डिसीजन ले सकता है सही क्या है गलत क्या है, पूरी तरह से नाश हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है हम गलत चीजों पे ध्यान न लगाएं, और अगर हमको लग रहा है कि गलती से लगा भी दिया है और हम उसकी तरफ खींचे जा रहे हैं तो तुरंत भक्तों का सहायता लेना चाहिए। जैसे आप भक्तों का सहायता लेंगे तो कृष्णा प्रवेश करेंगे आपके जीवन में और आपको मदद करेंगे। तो ये भक्तों का समुदाय इसलिए बनाया गया है कि एक तो शिक्षा गुरु रहते हैं जो आपको पूरी तरह से मार्गदर्शन कर सकते हैं, और शिक्षा गुरु के साथ साथ आपके मित्र मंडल भी हैं, आपके गॉड ब्रदर्स जो आपके गुरु भाई होते हैं या गुरु बहन होते हैं, तो उनसे भी आप आश्रय ले सकते हो, उनसे भी आप मदद ले सकते हो। तो जब उनके पास आश्रय लेते हो तो जो जैसे मैंने बताया था कृष्ण भगवान देख रहे हैं परमात्मा के रूप में कि आप भक्त के आश्रय में जा रहे हो, तो वो आपको पूरी तरह से मदद कर देंगे कृष्ण भगवान स्वयं उस मुसीबत से निकालने के लिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि हम गलत चीज पे फोकस करेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से उस दिशा में चला जाएगा। और अभी थोड़ा बताते हुए मेरे को ऑड लग रहा है, पर क्या है, आपको एक ज्ञान की बात बतानी चाहिए, भले ही वो कितना ही कड़वा हो, कितना ही बुरा हो। कई कई लोग, ये इतना पागलपन दुनिया में बढ़ते जा रहा है, आप लोग इंटरनेट बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, पर इतना पागलपन बढ़ा हुआ है इस दुनिया में। लोग इंटरनेट पे ये भी सिखाते हैं कि आप आत्महत्या कैसे कर सकते हो। सोचिए इतना पागलपन बढ़ गया है, और लोग उसमें सीखते हैं और सीख के जैसे प्रामाणिक ढंग से उन्होंने सिखाया है वैसे वो लोग करते भी। एक लड़का जिसने ये सब सीखा, पहले वो पहले डिप्रेशन में था, दुखी था वगैरह वगैरह था, तो उसने ये सब साइट्स पे जाने लगा तो उसमें ऐसे उल्टा पुल्टा सिखाते हैं कि अरे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका जिंदगी कोई काम का नहीं है, आपका जिंदगी बहुत काम के हैं, आपके शरीर में इतने सारे अंग हैं जो बहुत सारे लोगों को काम में आ सकते हैं, और उनको जो देख नहीं सकते वो आंखों से देख पाएंगे, जिनकी किडनी फेल हो गई है उनको किडनी लग सकता है, ऐसे करके आपको इतना सुना सुना के इतना आपको ये कर लेंगे कि आपको लगेगा अरे ये तो सबसे सर्वोत्तम काम है, मुझे अपना जीवन अंत कर देना चाहिए और मेरे शरीर के सारे ऑर्गन डोनेट करना चाहिए और इतने सारे लोगों का कल्याण होगा, मैं तो वैसे फ्रस्ट्रेशन में जी रहा हूं। तो ऐसा सुन के वो पूरी तरह से प्रभावित होके एक लड़के ने वाकई आत्महत्या कर ली है, और मैं नाम नहीं बताऊंगा और कौन है क्या है, पर जो है हम लोग के सर्किट का ही लोगों का पहचान वाला है जो इसमें आत्महत्या कर चुका है। तो इतना बुरा संग है ये बाहर का, अगर आप गलत चीज पे ध्यान देंगे तो पूरा आपको बर्बाद कर सकता है। तो ये जो है दूसरा जो चीज बता रहे हैं कि हमें तपस्या करना चाहिए। तो तपस्या मतलब जैसे राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि हर पल हमारे पास फ्री चॉइस है, स्वतंत्रता है कि हमें ये कृष्णा के लिए पल इस्तेमाल करना है या इंद्र भोग के लिए। तो मैंने जैसे बताया दो ही आपके पास विकल्प है, या तो भोगी बनिए या तो भक्त बनिए। भक्त बनेंगे मतलब हर समय हर पल कृष्णा का स्मरण, कृष्णा की सेवा, कृष्णा भक्तों का स्मरण, भक्तों की सेवा। और दूसरा है भोग करने, भोग करना मतलब हर तरह से भोग करना जो पूरी दुनिया लगी हुई है। तीसरा बताते हैं कि हमें मन और इंद्रियों को वश में करना है। चौथा हमें दान करना चाहिए। तो जैसे राधानाथ महाराज बताते हैं कि हमें हमेशा कोई भी हमारे सामने आएगा और मांगेगा, विशेष रूप से कोई भिखारी, तो कुछ ना कुछ देना चाहिए। कुछ नहीं है तो एक दो रुपया दे दीजिए, पर देने का आदत रखिए, क्योंकि कोई भी हमारे सामने मांगते हुए आता है तो हमें उसे तिरस्कार करके बिना कुछ दिए नहीं भेजना चाहिए जी, क्योंकि हम भी भगवान के सामने जाते हैं, मांगते हैं भक्ति के लिए, तो हम भगवान के सामने मांग रहे हैं, उसी प्रकार से कोई हमारे सामने मांग रहा है, तो हो सकता है 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया देने में कोई खास हमारा नुकसान नहीं हो जाएगा, पर हमें देना चाहिए। और उससे उत्तम है अगर आप प्रसाद अपने साथ ले जा सकते हैं तो प्रसाद देने की कोशिश करनी चाहिए। तो महाराज जब भी गाड़ी में जाते हैं तो महाराज ने सिस्टम बना के रखा है कि एक कुकीज का पूरा डब्बा बना के रखते हैं, और जैसे कोई भी भिखारी आता है, कुछ भी आता है, तो उसको एक अच्छा कुकी का बड़ा
अब ये देते हैं तो प्रसाद प्रसाद देख के खुश हो जाते हैं। वो प्रसाद नहीं ले तो बात अलग है, पर हमें अपने तरफ से सबसे सर्वोत्तम है प्रसाद देना चाहिए। कृष्णचंद्र प्रभु की गाड़ी में मैं जा रहा था तो मैंने देखा उन्होंने भी अपनी जो है छोटी छोटी थैलियां बना के रखी है प्लास्टिक की, जिसमें मूंगफली है या ऐसा है, तो वो बाहर से रेडीमेड खरीद के लेकर आके रखते हैं, जो भी कोई उनसे मांगता है तो उनको दे सकते हैं। तो ये दान के ऊपर हो गया। फिर बताया जाता है हमें सत्य बोलना चाहिए, तो ये गीता का भी नियम है, अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम, हमें सत्य बोलना चाहिए। भागवतम में भी आ रहा है हमें सत्य बोलना चाहिए। तो भक्तों को ये चीज ध्यान रखना है कि जितना हो सके हमें सत्य बोलना चाहिए, बिना बात के कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो जितना हम सत्य बोलते रहेंगे, सत्य के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारा मन शांत रहेगा, हम सरल स्वभाव के रहेंगे। क्योंकि झूठ बोलते ही हम करते कुछ हैं बोलते कुछ हैं, दोनों विपरीत हो जाता है। तो सत्य का पालन करें तो आप भक्ति के लिए भी ये अनुकूल रह सकता है, रहता है। हमें स्वच्छ रहना चाहिए, क्लीन रहना चाहिए। तो प्रभुपाद बताते हैं क्लीन दो तरह के होते हैं, स्वच्छता दो तरह के होते हैं। एक बाहरी तरह से जब हम शरीर को स्वच्छ रखते हैं तो उसके लिए प्रभुपाद बताए कम से कम 3 बार नहाना चाहिए, 2 बार तो नहाना ही चाहिए शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। और मन को स्वच्छ रखने के लिए हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। फिर बताते हैं सातवां है कि हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, प्रभुपाद दिखते हैं अहिंसा का मतलब है किसी दूसरे जीव की भक्ति रोकनी नहीं चाहिए। हम जो दूसरे नेता बोलते हैं अहिंसा के बारे में वो बिल्कुल अहिंसा प्रमाणिक नहीं है। जैसे बताते हैं कि अगर समझ लीजिए कोई हमारे रिश्तेदार में कोई बहू है कोई बेटी है, कोई उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश कर रहा होगा, हमारी बहन है किसी के साथ, तब हमें आके कोई बोलेगा आप अहिंसा पालन करिए, तो हम अहिंसा थोड़ी पालन करें। ऐसे व्यक्ति की तो पिटाई करनी चाहिए, मारपीट करके उसको पुलिस में दे देना चाहिए। तो अहिंसा जो नेता बोलते हैं वो प्रामाणिक नहीं है, अहिंसा जो गीता भागवतम बताता है वो प्रामाणिक है। गीता भागवत में क्या बताया गया है कि दूसरे का आध्यात्मिक जीवन को नहीं रोकना चाहिए, अगर आप उसको रोक रहे हो तो उसे अहिंसा बोलते हैं। फिर आठवां है कि हमें नियमों का पालन करना चाहिए, जो हमारे 4 नियम हैं। और नौवां कि हमें हमेशा हरिनाम जप करना चाहिए, रेगुलरली चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। तो ये जो है 6.1.13 में 9 चीजें बताई गई हैं भक्ति का प्रगति के लिए। तपस्या ब्रह्मचर्य समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचभ्यम यमेन नियमेन वा। तो मैं फिर 9 चीजें दोहरा रहा हूँ। ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमें, दूसरा है हमें तपस्या करनी चाहिए, ये तपस्या ये है कि हमें इंद्रभोग छोड़ना चाहिए। तीसरा हमारी मन और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। चौथा हमें दान देना चाहिए। पांचवा हमें सत्य बोलना चाहिए। छठा हमें स्वच्छ रहना चाहिए, साफ रहना चाहिए। सातवां हमें अहिंसा नहीं करना चाहिए। आठवां हमें नियमों का पालन करना चाहिए। और नौवां हमें हमेशा हरिनाम जप करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, तो वो हमारे लिए भी उतना ही लागू होता है। क्योंकि जैसे प्रभुपाद ने बताया कि अर्जुन और महाराज परीक्षित दोनों निमित्त है, निमित्त मतलब उनके द्वारा गीता और भागवतम बताया गया है। अर्जुन भगवान के परम भक्त थे, साक्षात भगवान को देख रहे थे, साक्षात भगवान का संग ले रहे थे। तो उनसे ज्यादा हम सबको गीता की जरूरत है हमारा जीवन का उद्धार के लिए। तो उसी प्रकार से भागवतम भी वैसे ही है। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को बताया है तो उनको भी निमित्त बनाया है, और हमें ये सब चीजों का ध्यान रखना है। तो हमने जो है 5वां अध्याय कल समाप्त किया, और 5वां अध्याय में हमने प्रार्थनाएं देखी देवताओं की, जो है तकरीबन उन्होंने जो है 39 से 51 जो है 12 श्लोकों में पूरे तरह से भगवान का गुणगान किया है। और इतना मुख्य चीज बताया है जो हमें ध्यान रखना है कि हमें हमेशा भगवान का छत्रय छाया रखना है, कभी भगवान का छत्रय छोड़ना नहीं है, और हरि कथा श्रवण करते हुए जो है हम भगवत धाम प्राप्त कर सकते हैं। तो कितनी बार ये प्रश्न आता है कि भई हम क्यों भक्ति कर रहे हैं, तो हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम पे भगवान की कृपा बनी रहे जब तक हम इस सृष्टि में हैं, और जब हमें शरीर त्यागे तो शरीर त्याग के हम भगवत धाम प्राप्त कर सकें। तो अभी हम जो है 6वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। तो पहले 10 श्लोक
जो भगवान का विराट रूप है उसके बारे में वर्णन करता है। तो कर्णोदक्षय विष्णु के बारे में बताया जाता है, पहला श्लोक है ये, कि उन्होंने जो है 23 जो एलिमेंट्स हैं जिसके कारण सृष्टि का निर्माण होता है, तो उसका जो है पहले उसका क्रिएशन किया, उसको बनाया गया, और उसके बाद भगवान ने अपनी जो है शक्ति, जिसे काली को भी बोलते हैं, जो भगवान की एक दुर्गा शक्ति है, दुर्गा देवी जिसे बोलते हैं, और एक काली देवी बोलते हैं, तो काली देवी को जो है जो समय के साथ है उस विवृत शक्ति, उसको बोलते हैं संस्कृत में, उसका जो है निर्माण किया, जिससे वो पूरे सृष्टि का में प्रवेश कर सके और कार्य कर सके। तो उसके बारे में और चर्चा करेंगे हम लोग। और उसके बाद बताया जाता है कि उन्होंने देवताओं को और जीव को जो है वापस से स्वप्न में, जैसे सोए रहते हैं हम लोग, तो जैसे सुबह को जाग जाते हैं तो हमें मालूम चलता है कि हमें क्या कार्य करना है, हमको जब हम सो जाते हैं नींद में तो हमें कुछ याद नहीं रहता। तो उसी प्रकार से जब सृष्टि का पूरा विनाश हो जाता है तो सब के सब जीव एक सोए हुए स्थिति में चले जाते हैं, और जब वापस से सृष्टि का निर्माण होता है, तो ऐसे जब निर्माण होता है तो वापस से जो है जीव, जैसे नींद में से हम लोग उठते हैं तो हमें मालूम रहता है हमें क्या कार्य करना है, तो उसी प्रकार से जीव की वापस से इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं और उनका कार्य प्रबंध शुरू हो जाता है। तो 23 जो एलिमेंट्स हैं जो भगवान इस सृष्टि को बनाने में लगे थे, उसका पूरा वर्णन कर किया गया है कि अहंकार है, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, हैंड, लेग, स्पीच, माइंड, तो ये सब चीजों का निर्माण किया गया था। ये जो है दूसरे श्लोक के शुरुआत में प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं। और फिर जो समय है उसके बारे में बताते हैं कि वो भी भगवान की शक्ति से चल रहा है, और ये शक्ति को काली का रूप धारण किया है, और विशेष रूप से जो तमोगुण से प्रभावित रहते हैं वो लोग माता काली की पूजा करते हैं। जो तमोगुण के प्रभावित लोग हैं वो काली का, चंडी देवी का पूजा करते हैं। और हमने ये भी देखा जो तमोगुण के लोग होते हैं वो जो है राक्षसों को पूजते हैं, भूत प्रेत को पूजते हैं, या किसी मानव जो बहुत शक्तिशाली होगा उसको पूजने लगते हैं। ऐसा बताया गया है कि साउथ इंडिया में लोगों ने रजनीकांत का बड़ा विग्रह बनाया हुआ है और उसकी आरती करते हैं और उसके सामने ये सब करते हैं। तो ये सब तमोगुण का प्रभाव है। तो प्रभुपाद जी जो है दूसरे श्लोक में ब्रह्मा संहिता के 35वें श्लोक को कोट करते हुए बताते हैं, एको प्रचो रचितुम जगदंड कोटि यक्षक्तिरस्ते जगदंड चयादनंतर अंधांतरस्त परमाणु चयादनस्तम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अभी हम ये पूरा क्रिएशन का बात कर रहे हैं, तो क्रिएशन के बारे में पूरा सृष्टि का निर्माण कैसे करते हैं, ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता में भी इसी का वर्णन किया है। अंधांतरस्त परमाणु चयंत्रस्तम, परमाणु मतलब जो एटम्स होते हैं, संस्कृत में एटम्स को परमाणु बोलते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, उसमें भी आप प्रवेश करते हो। तो आप एटम्स, जितने भी हम लोग, हो सकता है कि एक कमरे में करोड़ों करोड़ों एटम्स हो, उन करोड़ों एटम्स में भी भगवान विष्णु के रूप में जो है शिरोदक्षय विष्णु के रूप में जो है व्याप्त है। तो भगवान हर जगह परिस्थित है, इसलिए बोलते हैं ना भगवान हर जगह भगवान की भगवान जी अवेलेबल हैं, सब जगह रहते हैं वो। तो कैसे रहते हैं, इस श्लोक के हिसाब से वर्णन किया गया है कि परमाणु हर एक कण कण में, हर एक एटम में रहते हैं। तो महाविष्णु से मालूम है कि वो सृष्टि का निर्माण करते हैं, गर्भोदक्षय से एक एक सृष्टि में जाते हैं, और शिरोदक्षय विष्णु के रूप से वो हर एक एटम में भी प्रवेश करते हैं। तो वही चीज प्रभुपाद बताते हैं कि गीता में भी वर्णन किया है, 10वें अध्याय 42 श्लोक में, अथवा बहुनातेन किं ज्ञातेन तव अर्जुन विस्तभ्यम इदं कृष्णम एकं शरणं सुखद जगत। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि इस मेरे बारे में और क्या जानना है, जितना भी पूरा सब चल रहा है पूरी दुनिया में, ये तो मेरा एक अंश मात्र से मैं चला रहा हूँ। एको अंशेन सुखद जगत, मेरे एक अंश से, मेरी शक्ति के जो सिर्फ एक छोटे से भाग से जो है मैं पूरी सृष्टि को पूरी तरह से चला रहा हूं। तो यहाँ पे संस्कृत श्लोक का वर्णन आ रहा है, सुक्तम कर्म प्रबोधयन। सुक्तम कर्म, सुक्तम मतलब सोया हुआ,
तो मैंने जैसे आप लोग को बताया, जब हम सोए रहते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, जब हम उठते हैं तो हमको सब याद आ जाता है। तो हमको कैसे याद आता है? प्रभुपाद जी दूसरी जगह बताते हैं कि कृष्ण भगवान हमें बुद्धि देते हैं, तो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अगर कृष्ण भगवान हमें बुद्धि न दें तो जब हम सुबह को उठते हैं तो हमें ये भी याद नहीं रहेगा कि भाई हम कौन है, हमें क्या कार्य करना है। तो जैसे हम रात को सोते हैं तब भगवान हमारी बुद्धि खींच लेते हैं, इसलिए जब हम सोए रहते हैं हमें याद नहीं रहता हम कौन है। तो हम सपना देखने लगते हैं तो सपने में हमें समझ नहीं आता, अरे मैं तो बिस्तर में सोया हुआ हूँ, इतना घबराने की क्या जरूरत है, वास्तविक ये तो सपना है। नहीं, कृष्ण भगवान उस समय जो है हमारा ज्ञान खींच लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ बताया है कि जैसे सो के उठते हैं वैसे ही जीव जो है अपना जीवन का नियम पालन करना चालू करते हैं, वापस से सृष्टि में जो है कार्य में लग जाते हैं। तो ये चीज समझना है, अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति से नहीं जुड़ेंगे और भक्ति में जो है पूर्णतः प्रयास नहीं करेंगे तो ये जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो नित्य रूप से चलता रहेगा। हमें मालूम है कि ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 जो है दिव्य युग होते हैं, 1000, और एक युग में महायुग, 1000 महायुग का बोल सकते हैं, और एक युग में कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग होता है, और ये सब मिला दोगे तो एक महायुग होता है। ऐसे 1000 महायुग एक दिन में होते हैं, ऐसे 365 दिन का एक साल होता है, ऐसे 100 साल तक जीते हैं। तो आप सोच भी नहीं सकते कितनी बार हमें जन्म लेते रहना पड़ेगा, लेते रहना पड़ेगा। तो जब तक जीव भक्ति करके भगवत धाम प्राप्त नहीं करता है तब तक इस भौतिक जगत में घूमता रहता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हर एक जीव जो है वो बेहोश होके जो है भगवान के शरीर में प्रवेश करता है, और जब वापस से जो है सृष्टि का निर्माण होता है तो भगवान वापस से दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के ऊपर और फिर से जीव को भेज देते हैं और फिर से वो जागृत अवस्था में आ जाता है। तो जैसे हम सो जाते हैं तो एक तरह से वो बेहोशी की परिस्थिति होती है, तो वैसे ही जब हम भगवान के शरीर में प्रवेश करते हैं कई करोड़ों साल के लिए तो हम वापस से बेहोश हो जाते हैं। तो ऐसा बताया गया है। प्रभुपाद लिखते हैं, आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्शियल मटेरियल बॉडी लिविंग एंटिटी रिमेंस अनकॉन्शियस फॉर ओनली फ्यू मंथ्स। तो जैसे हमारा शरीर खत्म हो जाता है, तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये तीसरा श्लोक है उसमें बता रहे हैं, जब हमारा शरीर नष्ट होता है तो हम कुछ महीनों के लिए जो है इस स्टेट में रहते हैं अनकॉन्शियस में, लेकिन बताया जाता है जब इस पूरा सृष्टि का नाश हो जाता है तो जो है हम करोड़ों सालों के लिए, लाखों लाखों सालों के लिए हम जो है अनकॉन्शियस स्टेट में रहते हैं। जब शरीर का नाश होता है तो प्रभुपाद दिख रहे हैं यहाँ कुछ महीनों के लिए हम लोग अनकॉन्शियस रहते हैं और उसके बाद वापस से हमें नया शरीर मिलता है, वापस से माँ के गर्भ में जाते हैं। और जब पूरा सृष्टि का विनाश होता है तो कई लाखों सालों तक, हम मिलियंस ऑफ इयर्स, तो 1 मिलियन होता है 10 लाख, तो हो सकता है करोड़ों सालों तक जो है हम स्वप्न के स्टेट में रहते हैं, सोए हुए स्टेट में रहते हैं, और फिर वापस से सृष्टि का जब निर्माण होता है तो फिर से हम जो है हमारा जीवन प्रारंभ होता है। फिर चौथे और पांचवें श्लोक में बताते हैं कि कैसे भगवान जो है 23 जो चीजों का निर्माण करते हैं, एलिमेंट्स जो हमने चर्चा कर लिया, फिर आदि पुरुष के रूप में विश्व रूप और विराट पुरुष का भी निर्माण होता है और जिसके कारण सारे जीव का निर्माण होता है, तो इसके बारे में बताते हैं। तो प्रभुपाद एक चीज बताते हैं, गीता में हमने देखा है कृष्ण भगवान विश्व रूप दिखाते हैं, ये चीज ध्यान से समझिए आप लोग। कृष्ण भगवान 11वें अध्याय में अर्जुन को विश्व रूप दिखाते हैं, विश्व रूप कृष्ण नहीं दिखा रहा, कृष्ण विश्व रूप दिखा रहे हैं क्योंकि कृष्ण भगवान की शक्ति में विश्व रूप है, कृष्ण भगवान के अंदर विश्व रूप है जो अपने शक्तियों के द्वारा विश्व रूप दिखा सकते हैं। तो कृष्ण के अंदर विश्व रूप है, विश्व रूप में कृष्ण नहीं है। तो ये बात स्पष्ट होता है कि कृष्ण भगवान इनके स्तोत्र हैं, और वही कृष्ण भगवान जो विश्व रूप दिखाते हैं, अर्थात विश्व रूप मतलब क्या था, भगवान का ही रूप था जो पूरा सृष्टि का संहार कर रहा था। तो उसी प्रकार से भगवान जैसे विश्व रूप का रूप धारण करते हैं, रूपा लिखते हैं, वैसे ही भगवान अर्च विग्रह का भी रूप धारण करते हैं। तो जितने भी इस्कॉन में विग्रह हैं या छोटे छोटे विग्रह अगर हमारे घरों में भी हैं, तो अगर हम पूर्णता उनको भगवान माने, हम उनको पूजें, हम उनसे प्रार्थना करें, तो पूरी तरह से स्वीकार करेंगे जो है भगवान प्रार्थना।
क्यों? क्योंकि भगवान जैसे विश्वरूप का रूप धारण किए थे, तो वैसे ही भगवान प्रभुपाद लिखते हैं अर्च का, अर्च विग्रह का भी रूप धारण करते हैं, और ये भगवान की शक्ति है कि भगवान मूर्ति के रूप में भी जो है प्रकट हो सकते हैं। अभी हमें चाहिए कि हम अर्च विग्रह की सेवा करें, भक्ति करें, प्रार्थना करें, जिससे हमें उनका कृपा मिले। फिर बताया जाता है यही पांचवे श्लोक भी, इसमें चार और पांच इसी के ऊपर बताया गया है। इसका संक्षेप में मैं आपको वापस से फास्ट रनिंग में बता दूंगा। फिर छठे श्लोक में बताया जाता है कि विराट पुरुष जो है, जिनका एक और नाम है हिरणमय, वो जो है हजारों साल के लिए जो है ये करते हैं, उधर जो सृष्टि का गर्भोदक सागर है वहां पे रुकते हैं, उसके बाद सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कि जब विष्णु भगवान जो है एक एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, तात्पर्य में बताया गया है, तो आधा एक एक ब्रह्मांड को अपने जल से भर देते हैं, जिसे बोलते हैं गर्भोदक सागर। जैसे आप समझ लीजिए एक अंडा होता है, तो एक अंडा, क्योंकि इसको भी दुनिया को भी ब्रह्मांड बोलते हैं, तो वो एक अंडे के समान है, और उसमें आधा जो अंडा होता है वो पूरा पानी से भरा होता है, अर्थात गर्भोदक समुद्र बनता है, गर्भोदक सागर बनता है। उसपे भगवान महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु उसपे विश्राम करते हैं लक्ष्मी जी के साथ, और उनके नाभि में से ब्रह्मा निकलते हैं जो कमल के ऊपर पैदा होते हैं, और फिर वो 14 लोकों का निर्माण करते हैं। तो ये पूरा जो है छठे श्लोक में बताया गया है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि संस्कृत शब्द जो मनुष्य है, उसी से जो है अंग्रेजी शब्द आया हुआ है मैन। मैन जो शब्द आया है वो संस्कृत वर्ड मनुष्य से आया है, और मनु जो है वो वास्तविक रूप में मानव के, मानवता के पिता है, ऐसे करके वर्णन आता है। तो बहुत सारे शब्द जो अंग्रेजी में आए हैं वो वास्तविक रूप में जो है वो संस्कृत से आए हैं, और संस्कृत में उनका मूल धातु भी है, क्योंकि वो सृष्टि के कर्ता है, बनाने वाले हैं। फिर बताया जाता है कि कैसे जीव शक्ति, मतलब ये सातवां श्लोक है, जीव शक्ति मतलब हम जैसे जीवों का हमें बनाया गया है, और हम जैसे जीव को बनाया गया है, और फिर हम जैसे जीव को बनाया गया है, और दूसरा इसके अंदर वर्णन आता है कि प्राण शक्ति, प्राण शक्ति मतलब ये जो लाइफ एयर्स है, तो वो सब उसके अंदर बनाया गया है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। और आत्मशक्ति, आत्मशक्ति मतलब ये 1, 10 और 3 तरह के अलग अलग जो है चीजों को बनाया गया है, तो इसका पूरा ये क्रिएशन के बारे में बताते हैं। तो इसमें 10 तरह के हवा होते हैं, जो हवा है, हमें हवा के बारे में पूरी तरह से ज्ञान नहीं है, पर 10 तरह के हवा होते हैं, प्राण, अपान, उदान, वयान, समान, इसका पूरा वर्णन है। तो ये अलग अलग हवा अलग अलग कार्य करते हैं, तो उसका पूरा विस्तारित रूप में वर्णन किया है। प्राण मतलब प्राण, प्राणवायु मतलब जिससे हम लोग सांस लेते हैं, इसलिए उसको प्राणवायु बोलते हैं। फिर जो होता है जब जो है जो बुरा जो है हवा निकलता है पीछे की तरफ से, उसको अपान बोलते हैं। समान मतलब जो हमारे पेट में रहता है, जिससे हमारा खाना का पचन होता है और जिसे हम डकारते हैं। फिर उदान बोलते हैं जो हमारे गले में रहता है, और वो हवा नहीं होने के कारण हम सांस नहीं ले पाते हैं। फिर वायान बोलते हैं जो हमारे शरीर में रहता है, और जिसके आगे पूरे शरीर में घूमने के कारण हमारी प्राणवायु बनी रहती है। नाग ये हवा को बोलते हैं जिससे हम अपनी आंखें, हमारा मुख और दूसरे सब जो हमारी इंद्रियां हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नाग हवा ना हो तो हम आंख नहीं खोल पाएंगे, मुंह नहीं खोल पाएंगे। और ये है क्रिकार, क्रिकार मतलब जो हमारा भूख बढ़ाता है। फिर कूर्म वो बताया जाता है हेल्प्स कॉन्ट्रैक्शन। देवदत्त जो है, हम लोग जब आवाज ही लेते हैं मुंह खोल के, जिसे यॉनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, वो करने में मदद करता है। और धनंजय ये जो है हमारा जीवन, हेल्प्स इन सस्टेनेंस। तो ये 10 तरह के वायु होते हैं जिसका पूरी तरह से वर्णन किया गया है। फिर बताया जाता है कि कैसे अलग अलग भगवान जो है रूप का कारण कर अलग अलग कार्य कर रहे हैं सृष्टि को संभालने के लिए। तो जैसे ये जो
आठ प्रमुख चीजें हैं, ये अभी प्रभुपाद बता रहे हैं नौवे श्लोक के तात्पर्य में, कि जो आठ प्रमुख आइटम्स हैं कौन से, अर्थ वाटर फायर एयर ईथर माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, ये सब भगवान ने बनाए हैं और ये सब भिन्न प्रकृति अष्टदा है। भिन्न प्रकृति अष्टदा मतलब ये मेरे सेपरेटेड एनर्जीज हैं और ये आठ हैं। तो कई बार मुझे याद है बहुत कई साल पहले मैं सब ब्रह्मचारियों के साथ यात्रा कर रहा था ट्रेन में, और मैं ऊपर के बर्थ पे सोया हुआ था और एक फॉरनर भक्त भी हमारे साथ ट्रेवल कर रहा था जो थोड़ा हिंदी नहीं जानता था, और हमारे जो जितने भक्तगण थे वो लोग सब अलग अलग जगह स्प्रेड थे। उस कूपे में सिर्फ मैं था और वो था डिवोटी, और वो नीचे बैठा हुआ था और मैं ऊपर सोया हुआ था। तो वहां पे थोड़े बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, तकरीबन 55-65 साल के लोग थे, और वो लोग कब से इस डिवोटी के साथ चर्चा कर रहे थे और उसको हिंदी बोलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। और थोड़ी देर में सोया हुआ था, फिर जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा वो लोग चर्चा कर रहे थे। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति बोल रहा है कि अरे हम ये सब चीजों पे जो है रात के 2-2 बजे तक चर्चा करते रहते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है और इसको किसी को कुछ मालूम नहीं है, हम ऐसे चर्चा बहुत किए हैं, घंटों हम करते रहते हैं हमारे गांव में बैठ के, और हमारे साथ हमारे सारे दोस्तगण चर्चा करते रहते हैं, इसका किसी का कुछ जवाब नहीं है करके। तो और ये विदेशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हिंदी में बोल रहे हैं। तो ऐसे करते वो जो है थोड़ा उपहास भी हो रहा था, तुम लोग क्या करते हो ये वो करके। तो जितना उपवास हो रहा था तो मुझे लगा भक्त के साथ उपवास कर रहे हैं सही नहीं है। तो फिर मैं ऊपर से नीचे उतर आया और मैं बोला, मैं बैठ गया उनके बाजू में, मैं बोला आप लोग रात को 2-2 बजे तक चर्चा करते रहते हो, क्या चर्चा करते हो? तो जिसका आपको आज तक कोई जवाब नहीं मिलता। तो बोलने लगे, अच्छा बताओ ये धरती किसने बनाया? तो मैं बोला क्या प्रॉब्लम है, कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं ना 7वें अध्याय 4वें-5वें श्लोक में कि मैंने बनाया भूमि अरपो नल वायु खम मनो बुद्धि रे वच, सिर्फ भूमि नहीं पानी भी मैंने बनाया, हवा भी मैंने बनाया, ये भी मैंने बनाया। तो ऐसे करके तो उनका मुंह एकदम छोटा हो गया, उनको समझ में नहीं आया कि भाई जिसके बारे में हमने सालों साल जो है बिता दिए और उसके ऊपर हम लोग ऐसी चर्चा करते रहे बिना किसी वाद विवाद करते रहे। गीता के ज्ञान आप समझोगे तो स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ जाएगा, एक ही श्लोक में एक ही लाइन में किसने बनाया ये सब चीजें, भगवान ने बनाई। और भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि हम उनकी भक्ति करें और हमेशा संतुष्ट रहें, खुश रहें। आप जब भक्ति छोड़ दोगे, भगवान की सेवा नहीं करोगे, फिर सब प्रॉब्लम जीवन में आते रहते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं गीता के 4वें और 5वें अध्याय में कि आठ जो चीजें बनाई हैं वो मेरी भिन्न प्रकृति है। भिन्न प्रकृति मतलब इन्फीरियर एनर्जी, लेकिन उससे उत्तम एनर्जी क्या है, वो है हम जीव। और हम जीव को क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति, जिससे जो है हम संतुष्ट रह सके। फिर भगवान के जो है गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में जो हमने अभी चर्चा भी किया है, तो उसमें बताते हैं सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो। तो इसका तो एक मतलब आप जो समझ रहे हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं कि हृदय सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टो, कि मैं हृदय में निवास करता हूं। तो लोगों के मन में प्रश्न आता है कि परमात्मा कहाँ है, ये स्वामीनारायण वाले लोग बोलते हैं सर में, स्वामीनारायण है ये ब्रह्म कुमारी वाले, ब्रह्म कुमारी बोलते हैं सर पे, तो बोला सर में कहाँ लिखा है सर में, ये गीता में तो भगवान बोलते हैं कि हृदय में। तो ऐसे काल्पनिक तरीके से पूरा का पूरा संगठन लोग चालू करते रहते हैं, जिनका ना हेड है ना टेल है, और किसकी पूजा करते हैं वो भी कुछ क्लियर नहीं है। ब्रह्मन जो लाइट है, फुलजेंस है, ये है वो है, जो मायावादी ऐसा करके पूरा जीवन वो लोग व्यतीत कर देते हैं। हाँ थोड़ा सत्व गुण के हिसाब से जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो इसलिए उनको संतुष्टि मिलती है, इसलिए करते रहते हैं। पर प्रमाणिक शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो पूरा गड़बड़ चल रहा है उनका। तो भगवान यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कहाँ मैं निवास करता हूँ, ये गीता का 15वां अध्याय है 15वां श्लोक। सर्वस्व चाहम हृदि, हृदि हृदय में मैं निवास करता हूँ। तो हृदय में आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है। तो लोग पूछते हैं तो फिर हार्ट ट्रांसप्लांट कर लेते हैं तो कैसे होता है? तो हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं तो आत्मा और परमात्मा दूसरे जगह नहीं चली जाती, आत्मा और परमात्मा सूक्ष्म चीज है। जैसे कहीं जो है रोशनी पड़ती है, रोशनी एक जगह पे पड़ रही है, समझ लो मेरे इसमें एक प्लेट पे पड़ रही है, और वो प्लेट हटा के दूसरा प्लेट लाऊं तो रोशनी कहीं नहीं जाती, जो प्रकाश वहीं पे रहता है, प्लेट हिलता रहता है क्योंकि वो सूक्ष्म है।
तो आत्मा और परमात्मा रोशनी से भी सूक्ष्म है, तो वो वहीं पे ही रहते हैं। अच्छा, दूसरे लोग जो बताया जाता है ना, श्लोकों को तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से जो है टिप्पणी देते हैं, वो इस श्लोक के लिए बोलते हैं कि भगवान गीता में बोल रहे हैं चाय पीना चाहिए, चाय पीना चाहिए। तो बोले कहाँ लिखा है, तो बोलते ये देखो ना, ये 15वें श्लोक के 15वें अध्याय में लिखा है। क्या बोला है, सर्वस्य चाहम, चाहम मतलब चाय के लिए बोल रहे हैं चाय, और वो भी कौन सा, हृदय सन्निविष्ट स्टव, स्टव पे बना हुआ चाय पीना चाहिए। तो लोगों को अगर तोड़ मोड़ के अलग अलग मतलब निकालना है, तो इस श्लोक का ये भी मतलब निकाल सकते हैं कि चाय पीना चाहिए जो स्टव पे बना हो, जो ज्यादा टेस्टी होगा। तो ऐसे मनगढ़ंत लोगों की मनगढ़ंत कहानियां और ये सब का कोई अंत नहीं है इंडिया में। स्पेशली इंडिया जो है पुण्य भूमि है जहां पे ये सब उल्टा चलता चलता रहता है। पर प्रभुपाद यहाँ आगे बता रहे हैं, ये हम 9वां श्लोक चर्चा कर रहे हैं, उसके अंदर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वन हु वॉन्ट्स, one who wants to continue to forget the Lord is helped by the Lord to forget him birth after birth। अच्छा, ये बहुत जरूरी चीज प्रभुपाद बोल रहे हैं। अगर आप भगवान को भूलना चाहते हो तो जन्मों जन्मों तक जो है आपको भूलने की भगवान पूरी कृपा देंगे। तो देखिए, हम लोग भागवतम कथा कर रहे हैं, भागवतम कथा के माध्यम से हम कृष्ण भगवान को जानना चाहते हैं, हम कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, कृष्ण भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। कई लोग इसमें कनेक्ट होते हैं, लेकिन जिनको भक्ति करनी है, जिनको भगवान का याद करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान के बारे में सुनता रहना है, वो जुड़े रहेंगे। जिनको नहीं करना है वो छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज बताया है, अगर आपको भगवान की भक्ति नहीं करनी है, ये तो एक भागवतम कथा तो एक छोटा सा अंश है, एक घंटा सवा घंटे का क्लास है, ये तो छोड़ दीजिए। भगवान बताते हैं जिसको भक्ति नहीं करनी है जन्मों जन्मों तक, उनको मैं अपने पास आने नहीं दूंगा, मेरे भक्त के पास आने नहीं दूंगा, मेरे प्रसाद के पास आने नहीं दूंगा लिखा है। लेकिन किसी को मेरी भक्ति करनी है, और कैसे करनी है यहाँ पे स्पष्ट किया गया है 9वें श्लोक में, जब वो भक्तों के संग में आते हैं। देखिए, बहुत मुख्य चीज है कि आपको भक्ति करनी है, एक है भक्ति जिसको नहीं करनी है। कृष्ण भगवान बोलते चिंता मत करो, तुमको भक्ति नहीं करनी है, जन्मों जन्मों तक तुमको इस भौतिक जगत में जो है मार खाते रहना है माया देवी से। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे किसी का नहीं सुनना, तो मेरी स्वतंत्र किसके समान है, फुटबॉल के समान। फुटबॉल से उसकी तुलना की गई है अभक्त लोगों की। क्यों, फुटबॉल का क्या स्वतंत्रता है, वो बीच में रहता है मैदान के, और 22 लोग मिलके लात पे लात मारते रहते हैं उसको। ये फुटबॉल का जीवन है, 22 लोग मिलके लात ही मारेंगे, उसको निकालेंगे बाहर और लात मारते रहेंगे। ये जो है माया हमारे साथ कर रही है, जन्मों जन्मों तक हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में लगाए रखी है। बीमारी बुढ़ापा मृत्यु आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक सब क्लेशों में परेशान है, और अभी कोरोना वायरस चल रहा है, ऐसे हजारों क्लेश चल ही रहे हैं, और मानसिक प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम, धन का प्रॉब्लम, परिवार का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, और गेंद को कैसे सब लोग मिलकर लात मारते रहते हैं, वैसे जीव को जो है लाते पे लाते पड़ती जा रही है। पर जीव मानेगा नहीं, बोलेगा नहीं, मैं यही भोग करता रहूंगा, यही मैं एंजॉय करता रहूंगा। महाभारत में वर्णन आता है कि कैसे एक आदमी जो है भागते भागते, ये महाभारत की कहानी आती है, भागते भागते कैसे वो एक शेर पीछे उसके पड़ा रहता है, तो भागते भागते वो एक कुएं में गिरता है। लेकिन कुएं में गिरते समय वहां पे कई शाखाएं होती हैं पेड़ की, उसमें उसका पैर अटक जाता है, तो उल्टा गिरता है। तो जब नीचे देखता है तो उस कुएं के नीचे जो है एक बड़ा जो है मगरमच्छ रुका हुआ है, तो उसको मगरमच्छ को खाना था, तो वो अपना मुंह खोल के रुका हुआ, और शेर जो है वो ऊपर आ जाता है कुएं के, तो वहां उसको खाना। तो यहाँ दोनों समय ऊपर और नीचे मृत्यु, और बताया जाता है जब वो गिरता है तो उस समय दो चीजें होती है, एक उधर जो दो चूहे होते हैं वो लोग जो हैं इसको कुतरने लगते हैं उस शाखा को जिसपे वो लटका हुआ है। अर्थात समय की बात है, जैसे वो चूहे जो है, एक काला और एक सफेद चूहा था जो कुतर रहे थे, तो जैसे ही कुतर के वो खत्म हो जाएगा तो अपने आप वो गिरेगा। और साथ ही साथ बताया जाता है जब वो गिरा तो एक मधुमक्खी का छट्टा पूरी तरह से विचलित हो गया, जिसमें सारे के सारे जो मक्खियां थे, मधुमक्खी जिसे हनी भी बोलते हैं हम लोग,
वो उसको काटने लगते हैं। अब इन सब के बीच में मधुमक्खी का छत्ता जब हिल गया था तो उसका कुछ बूंद शहद उसके मुंह में गिर रहा था और वो सोचने लग रहा है, अरे क्या मैं आनंद भोग रहा हूं। अभी क्या आनंद भोग रहा है वो? मृत्यु साक्षात उसके ऊपर और नीचे है और कुछ समय की बात है। ये सफेद और काले चूहे किसके समान है? एक दिन और रात के समान है। उद्या नास्ता न्यानासो, जैसे भागवतम बताता है, एक एक दिन सूर्योदय सूर्यास्त हो रहा है, हम मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं। जैसे जैसे उस चूहे काट रहे हैं उस टहनी को, वो नीचे गिरेगा और इतने सारे मधुमक्खियां भी काट रही हैं और उसके बीच में थोड़ा सा शहद मिल गया और बोल रहा है वाह क्या आनंद आ रहा है, ये आनंद है। अरे पूरी चारों तरफ से घिरा हुआ है मुसीबतों से, मृत्यु है हर जगह। हाँ, तो ये भौतिक जीव का परिस्थिति है इस भौतिक जगत में। लेकिन जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, अगर जीव को भगवान को भूलना है, भगवान पूरी तरह से प्रबंध करेंगे, जन्मों जन्मों तक आप याद नहीं कर पाओगे। लेकिन उसके विपरीत अगर आप भगवान को याद करना चाहते हो और याद करने के लिए आप भक्तों का संग कर रहे हो, ये सबसे मुख्य चीज है जो हमें समझना चाहिए। हम भक्ति तभी कर पाएंगे जब हम भक्तों के संग में रहेंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि जब भक्तों के संग में रहते हैं तो भगवान ऐसा प्रबंध करते हैं जिससे वो ज्यादा से ज्यादा भक्ति कर सके और इसी जीवन के अंत में वो भगवत धाम पहुंच सके। देखिए, भगवान दोनों चीजों के लिए तैयार है। आप भूलना चाहते हो तो भगवान आपको भूलने में मदद करेंगे, और आप याद करना चाहते हो तो भगवान अपने भक्तों का संग देंगे। उस भक्तों के संग में आप भगवान का स्मरण कर पाओगे, भगवान की कथा सुन पाओगे, भगवान को याद कर पाओगे, और ऐसा करते हुए आप अपने जीवन के अंत में भगवत धाम प्राप्त करोगे। ये स्वयं प्रभुपाद जी इस श्लोक में बता रहे हैं और भगवान गीता में भी बोलते हैं, तेषां सततत्वानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं क्रमेण मामुपैंतते। मैं ऐसी बुद्धि देता हूं जिससे वो भक्ति कर सके, वो अपने आगे जीवन में बढ़ सके। तो फिर जो है दसवें श्लोक में बताया जाता है कि जो भगवान है परमात्मा के रूप में जो सब जगह व्याप्त है, वो देवताओं का प्रार्थना याद करते हुए अपना विराट रूप पूरी तरह से प्रकट करते हैं। तो ये पूरे जो है 10 श्लोकों में विराट रूप का वर्णन हुआ है। अभी 11 से 26 श्लोकों में जो है भगवान के अलग अलग रूप हैं जो देवताओं के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के रूप मतलब मैनिफेस्टेशन ऑफ डिफरेंट डेमिगॉड्स फ्रॉम यूनिवर्सल फॉर्म, मतलब भगवान का जो विराट रूप है उसमें से भगवान ने अलग अलग देवताओं का प्राकट्य किया है अलग अलग कार्यों के लिए। तो ये 11 से 26 श्लोकों में है। तो थोड़ा जो है मैं उसके बीच में आप लोग को फॉर अ ब्रेक थोड़ा जर्नी होम बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा आप लोग को बाउंसर जाने वाला है और फिर फास्ट में मैं उसको बता के आपको वाइंड अप करूंगा आज का क्लास। और उससे पहले मैं आपको थोड़ा जर्नी होम में लेके जाता हूँ जिससे आप थोड़ा रिलैक्स फील करें। क्योंकि क्या इसमें जितने भी हैं, क्या क्या हमारे इंद्रियां कैसे इससे प्रकट होती है, वो सब पूरा वर्णन किया गया है। तो राधानाथ महाराज का हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे राधानाथ महाराज जो है बचपन से उनको जो है उनका जीवन अलग था, उनको कुर्सियों पर बैठना पसंद नहीं था और उनको अच्छे नए कपड़े पहनना पसंद नहीं था। और फिर महाराज जो है जब उनको कोई नया जूता भी देते थे उसकी मम्मी डैडी, तो उसको पत्थर से घस घस के पुराना बना देते थे। ये सब बता रहे हैं कि कैसे महाराज जो है बचपन से ही जो है संपूर्ण रूप से उनको जो है जिसे बोलते हैं ना शो शाइन या ग्लैमर, उसकी तरफ आकर्षण नहीं था। यहाँ तक कि जब नया कार आता था तो महाराज बताते हैं कि वो उसमें से एकदम झुक के बैठते थे कि कोई देख ना सके। और एक बार होटल में खाना खाने गए तो वहीं पे उनके क्लास का जो उनका मित्र था वहां पे, वो जो वेटर था, तो उस होटल से भाग के गाड़ी में जाके बैठ गए। तो उसके जो दादाजी थे वो उसको बहुत उनका प्रशंसा की और बोले बहुत अच्छा किया तुमने, मैं तुम्हारे पे बहुत आपसे प्रभावित हूँ आपके इस कार्य से। और फिर वो बोलते हैं कि कैसे वो देखते थे अपने दादाजी को प्रार्थना करते हुए। और हमने अंत किया था कि हमें प्रार्थना भगवान से ये करना चाहिए कि हमारी इच्छा पूरी ना करें, आपकी इच्छा क्या है उस इच्छा में हमें निमित्त बनाइए, हम आपकी इच्छा पूरी करने में हम मदद कर सकें।
तो हमारे यही प्रार्थना होनी चाहिए भगवान से हमेशा कि हे प्रभु, हमें आपके कार्यों में जो है संलग्न करें, हमें जो है यूज अस इन योर डिजायर्स इन फुलफिलिंग योर विशेस। तो अभी बताया जाता है कि महाराज 13 साल के हो गए हैं और उनके बड़े भाई माटी उन्होंने उनको एक कैसेट दिया है, उस कैसेट में गाने हैं और उस गाने में विशेष रूप से जो है वो जो सिंगर है वो बोल रहे हैं, ये पीटर पॉल करके विदेशी सिंगर हैं, वो गा रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें गरीबी नहीं चाहिए, हमें बुराई नहीं चाहिए, और विशेष रूप से वो भगवान को याद कर रहे हैं। तो महाराज ने जैसे वो भगवान के बारे में सुना तो महाराज बोल रहे हैं कि मेरे को पता नहीं क्या होने लगा, मैं बार 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 ये गाना सुनने लगा और उस गाने के बोल ऐसे थे कि दिन के सुबह सुबह में मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे मार्गदर्शन करे। तो ये महाराज बोलते हैं मैं बहुत बार ही गाना सुन रहा था पर ये नहीं, मुझे मालूम नहीं था कि भविष्य में आने वाले सालों में यही मेरा जीवन का लक्ष्य होने वाला है, मैं भगवान की खोज में निकल जाने वाला हूँ, मुझे मालूम नहीं था पर इस गाने की तरफ मैं बहुत आकर्षित होता था और मैं बार बार सुनता था। क्या गाना था कि सुबह सुबह जैसे हम बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त में मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे जो है मार्गदर्शन करिए, मेरे जीवन में मुझे सही मार्ग बताइए। फिर बताते हैं कि एक ब्लूज करके जो है संगीतकार थे, तो वो बताते हैं कि वो गाते गाते ऐसे रोते थे कि मुझे मेरा खोया हुआ प्रेम मिल जाए, तो खोया हुआ प्रेम मिल जाए करके वो रोते थे। तो महाराज बोलते हैं गाना सुनते सुनते मैं भी रोता लेकिन मुझे मालूम नहीं था मेरा खोया हुआ प्रेम क्या है, लेकिन जो कुछ भी है उसको मैं याद करता था और मैं रोता रहता था। तो फिर उसके बाद भाई के बारे में बताते हैं, उसके जो बड़े भाई थे वो बहुत बदमाशी करते थे और बहुत बदमाशी करते हुए जो है उनके स्कूल में उसका नाम मॉन्क रखा था। तो जब 14 साल के थे तो डियरफील्ड हाई स्कूल में जब उनका दाखिला हुआ तो उधर के सारे टीचर लोग सब बोलने लगे अरे ये दूसरा मॉन्क आ गया है। तो मॉन्क का एक और मतलब होता है कि साधु। तो बचपन से ही महाराज जब 14 साल के थे तब से महाराज को भी मॉन्क या साधु का नाम पड़ गया। तो मतलब अपने बारे में बताना नहीं चाहिए पर क्या है अभी साथ में हमारे काउंसलिंग लोग के साथ चल रहा है था, तो शायद मैंने कभी बताया नहीं है पर ऐसा नाम आ रहा है तो मुझे याद आ रहा है कि मेरी भले ऑफिशियल दीक्षा 19-20 साल की उम्र में हुआ था पर जब मैं पैदा हुआ था तो पहले मेरे माता पिता ने मेरा नाम धीरज रखा, फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया, फिर से दूसरा नाम रखा उन्होंने संजय रखा, फिर से मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मतलब भरे बड़े एक्सीडेंट्स हुए थे, काफी जो है स्टिचेस विचेस लग गए थे। तो फिर एक हवन कराया, यज्ञ कराया और यज्ञ कराने के बाद उन्होंने जो है यज्ञ में से पंडित ने पूरा जो है अनुसाधन करके जो भी सब करके उसने बोला इस लालक का नाम हरीश होना चाहिए, ये मेरा दीक्षा से पहले का नाम है हरीश। तो बोला ये नाम से जो है इसका कल्याण होगा और इस पर कभी आपत्ति नहीं आएगी। तो आज मैं देखता हूँ हरीश के नाम में सबसे पहले हरी आता है। तो जो भी बचपन से जब से मतलब तकरीबन जब से मैं छोटा बच्चा था तब से सब मुझे हरीश हरीश करके बुलाते थे पूरे स्कूल डेज में और कॉलेज में भी। तो हरीश बुलाने से सबको सुकृति मिलती थी, पहले हरी का नाम ले रहे हैं। तो शायद काल का प्रभाव था कि उनको मालूम था कि भाई भविष्य में यह भक्ति करेगा और जो भी है भगवान के साथ खुद भी जुड़ने की कोशिश करेगा और दूसरों को भी जोड़ने की कोशिश करेगा। तो इसलिए दीपक और संजय मेरा नाम नहीं हुआ और हरीश का नाम से मेरा आगे बढ़ा मैं। और उसके बाद जब दीक्षा हो गई उसके बाद हरिबोल आनंद नाम पड़ गया। तो कहने का मतलब है कि कैसे मतलब भक्तों के जीवन में कहां से भगवान हस्तक्षेप करते हैं और अलग अलग कार्य कराते हैं। तो फिर अभी महाराज बताते हैं कि वो जो है इसमें जुड़ गए, किसमें, कुश्ती में, रेसलिंग टीम में। और उसमें महाराज एक बहुत अच्छी चीज लिखते हैं जो मुझे बहुत पसंद आया। महाराज बोलते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत निपुण था, बहुत तेज था, लेकिन मेरी एक गुण था कि जिसमें भी मैं लगता था ना मैं पूरी तरह से इंटेंस एब्जॉर्प्शन से लग जाता था। अब ये हिंदी वर्ड उसका इंटेंस अब्जॉर्प्शन आप लोग सब सोच सकते हैं कि बहुत एकाग्र से मन लगा देता था। तो मैं बहुत निपुण नहीं था, बहुत तेज नहीं था, बहुत एक्सपर्ट नहीं था, लेकिन जिसमें भी मैं मन लगाता था पूरी तरह से घुस जाता।
मैंने महाराज को कई साल काम करते हुए देखा है। जैसे हमारे गोदरेज के कबड़ होते हैं ना, आपको मालूम है गोदरेज का कबड़ दोनों खाना खोलोगे आप अंदर खड़े रहोगे तो राइट और लेफ्ट साइड से कोई देख नहीं सकता, कोई आपके पीछे खड़ा रहेगा तो आपको देख पाएगा पर राइट और लेफ्ट से कोई नहीं देख सकता है। तो वैसे ही महाराज के कमरे में आज भी जाएंगे तो कबड़ है लकड़ी का। तो ये उदाहरण देने के लिए मैंने आपको गोदरेज कबड़ का उदाहरण दिया, पर वैसे ही कबड़ है जो दोनों साइड खुलता है। समझ लीजिए जो हमारा गोदरेज का कबड़ है उसका हाफ साइज कर लीजिए 3 फीट का, तो महाराज को खोलते हैं फिर अंदर चले जाते हैं तो वो कबड़ आखिरी कोना वाला खुला है पूरा, मतलब अंदर खाली है, तो अंदर महाराज लैपटॉप लेके काम करना चालू करते। तो जैसे घोड़े होते हैं ना, घोड़े के आंखों के दोनों तरफ वो लगा के रखते हैं क्या कपड़े का वो जो एक ये स्टैंड जैसा रहता है जिससे वो राइट भी नहीं देखे लेफ्ट भी नहीं देखे, तो महाराज भी वैसे ही करते हैं। अभी भी जब काम करते हैं लैपटॉप पे ये तो ना राइट देखते हैं ना लेफ्ट देखते हैं, पूरा अंदर प्रवेश कर जाते हैं कबड़ के अंदर और अंदर बैठ के काम करने लगते हैं। कबड़ के अंदर प्रवेश नहीं करते, वो कबड़ खोल देते हैं जिससे ना राइट दिखता है ना लेफ्ट दिखता है। और यहां तक कि ब्रह्मचर्य आश्रम में जाएंगे तो वहां पे लाइब्रेरी भी उन्होंने ऐसी बनाया हुआ, तो लाइब्रेरी बनाने का उद्देश्य है आप अंदर जाओगे लाइब्रेरी में एक एक सेक्शन में तो उधर 3-4 फीट लकड़ा का कबड्स बाहर बना के रखा है जिससे आपको ना राइट दिखे ना लेफ्ट दिखे, सिर्फ आपको किताबें दिखे और आप उसमें पाठ कर सको। तो फिर बताते हैं महाराज कि मैं सोचने लगा कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या है, धन मान सम्मान और ये सोसाइटी और ये सब चीजों से कुछ परे होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है। और बोलते हैं अगर मुझे रेसलिंग का मेडल मिल भी जाए, मतलब मैं जीत जाऊं और मुझे एक बड़ा सोना का ये मिल जाए, लेकिन उसे क्या फायदा होगा अगर मेरे दूसरे लोगों को, उस समय वियतनाम वॉर चल रहा था और वियतनाम वॉर में उनको जो है लिए जा रहे थे सारे युवा पीढ़ियों को। तो महाराज बोल रहे हैं कि वास्तविक रूप में जीवन का सत्य क्या है वो मुझे जानने की अभिलाषा थी। तो मैं जस्ट थोड़ा आप लोगों को बीच में ऐसा महाराज के बारे में बता रहा हूँ। देखिए कैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं बचपन से ही उनको भगवान की खोज रहती है, भगवान की इच्छा रहती है। मैं ये आप लोगों को जर्नी हूँ बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि हम लोग भी इस्कॉन में जुड़े हैं और इस्कॉन का उद्देश्य क्या है, हमें पूरी तरह से कृष्णा भक्ति प्रदान करना, पर हमारे जीवन में आतुरता नहीं है भगवान को जानने की, हमारे जीवन में वो ईगरनेस नहीं है, इसलिए हम अपना दिनचर्या आराम से करते रहते हैं, अपना 16 माला हो गया, थोड़ा 4 नियम पालन हो रहा है, जीवन में कोई मुश्किल परेशानी नहीं आ रही है, हमारे पास थोड़ा पैसा है, खाने को थोड़ा ठीक प्रसाद मिल रहा है, ठीक है तो जीवन सही चल रहा है, तो फिर बाकी समय हम लोग आराम से व्यतीत करते हैं। हमारे में उत्कंठता या ईगरनेस या डेस्परेशन आता नहीं है। तो ये आप जब महाराज का जीवन चरित्र सुनेंगे तो आप में भी वो धीरे धीरे डेस्परेशन आएगा और आप भक्ति में और तीव्रता से प्रवेश कर पाएंगे। तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं हम कृष्ण लीला में से 5 मिनट, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रभुपाद जी ने जो बताया है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, हो सकता है कि कोई बहुत ही पांडित्य के हिसाब से उनको बहुत सारी चीजें समझ में नहीं आए। जैसे मैं कई लोगों को जो बिगनर्स हैं उनको गीता भागवत स्टार्ट करने से पहले मैं बोलता हूँ आप कृष्ण बुक पढ़ लें। कृष्ण बुक पढ़ने का फायदा ऐसा है कि भगवान की अलग अलग कहानियां हैं और वृंदावन द्वारका मथुरा ऐसे 90 स्टोरीज है, तो अच्छा से वो श्रवण कर सकते हैं भगवान की लीलाओं का। और बीच बीच में ये जो फिलॉसफी है प्रभुपाद ने बहुत उत्तम तरीके से जो है सबसे ज्ञान पूर्वक की बातें बताई गई है वो भी सीख सकते हैं। तो लीलाएं हैं, स्टोरीज है, कहानियां है, बीच बीच में फिलॉसफी भी है, क्योंकि गीता के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे तो गीता में हाई फिलॉसफी है तो कभी कभी समझ नहीं आएगा, बोर हो जाएंगे, पढ़ना बंद कर देंगे, क्योंकि अधिकांश लोगों को कृष्णा बुक बोलता हूँ। और कृष्णा बुक जो है इस्कॉन में स्वीट डिश के समान माना जाता है, जैसे हम लोग स्वीट राइस है या पाइनएप्पल हलवा है, इस्कॉन में फेमस है ये सब चीजें, तो वैसे कृष्णा बुक स्वीट डिश के समान है। यहाँ तक कि जो सबसे वरिष्ठ ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं वो भी आज भी कृष्ण बुक पढ़ते हैं। और प्रभुपाद बताते थे कृष्ण बुक पढ़ना मतलब सिर्फ कृष्ण का स्मरण करना। यहाँ तक कि मैं 10वां स्कंद भागवतम पढ़ रहा था एक जगह पे, एक सेवा मिला था, तो महाराज आए और बोले आप 10वां स्कंद भागवतम पढ़ रहे हो लेकिन भागवतम में आप वृंदावन से आगे मत जाना, मतलब 30-33 अध्याय में
वृंदावन के बाद मथुरा लीला चालू होती है जब कृष्ण भगवान मथुरा जाते हैं। तो महाराज बोले आप वृंदावन का ही पाठ करते रहिए यहाँ पे। मैं बोला ठीक है महाराज। तो कृष्ण लीला जो है विशेष रूप से जो है आपको पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत करने में मदद करेगी। जिन लोगों को सपना नहीं आता, जिन लोगों को नींद नहीं आता, जिन लोगों को नींद में भूत प्रेत के सपने आते हैं, या जिन लोगों को डर लगता है, ऐसा सब प्रॉब्लम बंद हो जाएगा। या लड़कों में जिन लोगों को जो है बुरे बुरे या जो इंद्रभोग के सपने आते हैं, वो सब सपने बंद हो जाएंगे अगर आप कृष्ण बुक पढ़ना चालू करेंगे और कृष्ण का स्मरण करते हुए आप सोएंगे। सबसे उत्तम रहेगा आपके जीवन के लिए। सारे ब्रह्मचारी भी ऐसे करते हैं और सन्यासी भी करते हैं। यहाँ तक कि कई सन्यासी तो ऐसे हैं जिनको तकरीबन तकरीबन कृष्णा बुक कंठस्थ हो चुका है। एक बार बताया जाता है लाइट चला गया पाठ करते हुए, तो प्रहलादन स्वामी जो है वैसे का वैसा बोलने लग गए जैसे कृष्णा बुक में सब पढ़ते हैं ना हम लोग। लाइट बंद है लेकिन कोई देख नहीं पा रहा था बुक, लेकिन वो बोलने लग गए थे, इतना उन्होंने कंठस्थ किया था। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं अ कृष्ण कॉन्शियस पर्सन नोज दैट ही इज ऑलवेज सर्वेंट ऑफ कृष्ण। और जो है वो हमेशा भक्त जो है हमेशा एक चीज ध्यान रखता है कि वो कृष्णा के दास अनुदास है और वो हमेशा जो है इनसिग्निफिकेंट है। तो जैसे एक प्रभुपाद को शिष्य ने आके बोला प्रभुपाद आई एम द मोस्ट फॉलन, मैं सबसे पतित हूँ। तो प्रभुपाद ने बोला आप सिर्फ फॉलन हो, आप सिर्फ पतित हो, सबसे ज्यादा पतित हो मत बोलो, क्योंकि आपको उसमें भी सबसे उत्तम बनना है। पतितों में सबसे पतित हूँ, जैसे उसके अंदर भी आपको सबसे अच्छा से अच्छा बनना है कि मैं सबसे पतित हूँ, नहीं सिर्फ बोलो कि मैं पतित हूँ। तो यहाँ पे भी लिखा है कि भक्त अपने आप को हमेशा इनसिग्निफिकेंट मानता है कि मैं एक नम्र भक्त दास अनुदास हूँ, मैं एक जो है आम भक्त हूँ और जो भी मेरे से अच्छा कार्य हो रहा है वो कृष्ण और गुरु की कृपा से। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम अच्छा कार्य कर पाते हैं वो गुरु और कृष्ण की कृपा है, उनको श्रेय देना चाहिए। फिर बताते हैं ये हमने पिछली बार चर्चा किया था, फिर मैंने दोहरा दिया, पर कृष्ण कथा दोहराया हुआ जो है हमेशा काम के लिए रहता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, स्मरण रखना है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका श्रेय हमें नहीं मिलना चाहिए, गुरु को मिलना चाहिए और कृष्ण को मिलना चाहिए। प्रभुपाद भी देखिए अपना गीता लिखते हैं, भागवतम लिखते हैं, तो सबसे पहले अपने गुरु श्रेष्ठ ठाकुर को याद करते हैं, उनका जो है याद करते हुए बोलते हैं कि उनकी कृपा से मैं ये कार्य कर पा रहा हूँ। तो वो हमेशा अपने गुरु को याद रखते हैं। तो कृष्णा कैनॉट बी प्लीज्ड, अभी कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें ध्यान रखना है कि किससे प्लीज प्रसन्न हो सकते हैं। कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय है वो है भक्ति, और विशेष रूप से भक्ति में जो है उनकी सेवा करके। तो जब हम डिवोशनल सर्विस करते हैं तो डिवोशन मतलब भक्ति होती है, डिवोशनल सर्विस मतलब, सर्विस मतलब सेवा, भक्ति मतलब सेवा करना है। अगर हम ये चीज करेंगे तब जाके जो है कृष्ण भगवान हमसे प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद ये दूसरा चीज बता रहे हैं, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करना है तो एकमात्र उपाय है वो है सेवा करके भगवान का। फिर बताते हैं मटेरियल कंडीशन लाइफ आइदर इन डिस्ट्रेस और हैप्पीनेस इज एक्सेप्टेड एज बीइंग। प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आपके जीवन में बहुत सुख है या बहुत दुख है तो दोनों सपने के समान है। तो हम जो भी सपने में आता है उससे ज्यादा विचलित नहीं होते। अब रात को अगर आपको सपना आ गया कि आपको 10 करोड़ रुपया मिल गया है, तो अगले दिन ऐसा नहीं है कि आप काम पे नहीं जाओगे, क्योंकि आपको मालूम है सपना है, सपना का कुछ मूल्य नहीं है। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में सुख हो या दुख हो, भागवतम बतलाता है ये एक स्वप्न के समान है, तो हमें इससे विचलित नहीं होना चाहिए। प्रभुपाद लिख रहे हैं विशेष रूप से हमें अपना मन और इंद्रिया वश में करके संपूर्ण तरह से अपना जीवन भक्ति में लगा के रखना चाहिए, जिससे हम अपना जीवन जो है सुख और शांति से व्यतीत कर सके। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि सुख दुख से हम विचलित ना हो हमारे जीवन में। ये सपने के समान है, कुछ समय रहेगा बाद में निकल जाएगा, पर ऐसे परिस्थिति में सुख और दुख में हम अपनी मन और इंद्रियां वश में करके संपूर्ण रूप से भक्ति करते हैं। अच्छा, दूसरा एक चीज बताते हैं कि कुंती महारानी जब कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हमने पहले स्कंद भागवतम में सुन लिया पूरा का पूरा जो प्रार्थनाएं हैं, तो उसमें बताते हैं कि कृष्ण भगवान उनके समक्ष नहीं थे,
कृष्ण भगवान के सामने खड़े रहकर उन्होंने प्रार्थना नहीं की, कृष्ण भगवान थे नहीं वहां पे, लेकिन फिर भी कुंती माता प्रार्थना कर रही है और भगवान उनकी सारी प्रार्थना सुन रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं ये हमारे लिए भी संभव है, हमारे सामने भी कृष्ण भगवान नहीं है, लेकिन अगर हम दिल से प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी प्रार्थना सुनेंगे। और जैसा हमने सुना कि भगवान सर्वव्यापी है, वो ओमनीपोटेंट ओमनीप्रेजेंट, ओमनीप्रेजेंट मतलब वो सभी जगह है सर्वव्यापी। तो हमने भागवतम में भी सुना, आज ब्रह्म संहिता में, परमाणु परमाणु मतलब हर कण में भरे हुए। तो जब हम उनसे प्रार्थना करेंगे, भले वो शारीरिक रूप में हमें नहीं दिख रहे हो, हमारे सामने ना हो, पर वो पूरी तरह से सक्षम है हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। तो जैसे कुंती महारानी ने कृष्ण के लिए प्रार्थना किया जबकि वो उनके सामने नहीं थे, पर भगवान ने सारी प्रार्थनाएं सुन ली, वैसे ही हम भी किसी भी समय भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो हम भागवतम हम चर्चा कर रहे हैं, वो हम सबका, जितने अभी 38 लोग कनेक्टेड हैं, हम सब लोग मिलके प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपके दास बनना चाहते हैं। तो भले ही हम अपने अपने घरों में हैं, पर वास्तविक रूप में हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, सामूहिक प्रार्थना कर रहे हैं, और ये प्रार्थना जो है भगवान अवश्य हमारी सुन रहे हैं। और जो जो इस प्रार्थना में जुड़ रहे हैं, हमें निश्चिंत रहना चाहिए, भगवान अवश्य अपनी कृपा हम पे करेंगे। तो अभी हम वापस आ जाते हैं हमारे भागवतम पे, जो 11 से 26 श्लोक है, जहाँ पे विराट रूप जो है अलग अलग देवताओं का रूप धारण कर रहे हैं, तो और इससे जो है अलग अलग इंद्रियों का निर्माण कर रहे हैं। तो ये आखिरी अभी 5-6 मिनट में मैं जो है तकरीबन 15-16 श्लोक आपको फास्ट में बता दूंगा। मुख का निर्माण हुआ जिसे आस्यम संस्कृत में बोलते हैं, और उससे इंद्रियां जो बनी है वो है ध्वनि, और इसको वाचा बोलते हैं संस्कृत में। उसके देवता हैं अग्नि, जिसे इंग्लिश में फायर बोलते हैं, और वो हम ध्वनि को कैसे व्यक्त करते हैं शब्दों के द्वारा। फिर दूसरा बताया जाता है पैलेट, जिसको तालू बोलते हैं संस्कृत में, जिह्वा या टंग बोलते हैं, उसके देवता हैं वरुण, और उसे हम स्वाद लेते हैं। वैसे नासिका और उसको ग्रहण बोलते हैं संस्कृत में, और अश्विनी कुमार हैं जिससे हम सूंघते हैं, आंखें जिसको अक्षिणी बोलते हैं, और उनके सेंस ऑर्गन चक्षु हैं, सूर्य देव उनके देवता हैं, हम उससे चीजों को देख सकते हैं। अब ये जो आप श्लोक पढ़ेंगे 12 से 26, उनमें ये सब विस्तार रूप में बताया गया है, जिसका मैं ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ वो इन्हीं श्लोकों में से लिया हुआ है। फिर हमारी जो स्किन है, चर्म जिसको संस्कृत में बोलते हैं त्वचा, उसके जो है विंड गॉड, जो हवा के देवता हैं अनिल, उनको बनाया गया है इंचार्ज, और जिससे हम स्पर्श समझ सकते हैं। फिर कानों के बारे में बताया गया है कर्ण, हियरिंग प्रिंसिपल श्रोता, जिसको दिक देवता को बताया गया है, जिससे हम ध्वनि सुन सकते हैं। इसका तात्पर्य जरूरी है, मैं आपको अगले कल में इसका बताऊंगा कि सबसे जरूरी प्रभुपाद बताते हैं श्रवण करना है, कि श्रवण करने से आपको ज्यादा कल्याण होगा। फिर स्किन त्वचा, और जो शरीर पे जो चमड़ी है उसको, उसका बताया गया, इसको रोम बोलते हैं, और पेड़ों को उसका दिग देवता बनाया गया है, जिससे हमें जो है कभी कभी खुजली आती है, या कभी कोई हमें स्पर्श करता है तो हमें उसे आनंद लगता है। फिर हाथ के बारे में बताया गया है, इसके देवता है इंद्र, और इसको संस्कृत शब्द हस्तौ बताया गया है, और इसका इंद्र है वार्ताया, और बताया जाता है जिसके हाथ से हम बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, लेना देना वगैरह वगैरह। फिर पैर, जिसको गतिया बताया गया है, पादव बताया गया है, विष्णु भगवान, विष्णु भगवान तो उन पुरुषोत्तम विष्णु नहीं, उनके अंश, और इससे हम यहाँ वहां जा सकते हैं। फिर बुद्धि, और उसको बोधेना बताया गया है, और ब्रह्मा जी उसके देवता हैं, और जिससे हम सब चीज ज्ञान की बात समझ सकते हैं। फिर हृदय जो है, हम उसके लिए देवता है चंद्र, और उससे हम अलग अलग चीज सोच सकते हैं। फिर अहंकार, उसके लिए रुद्र, जो शिव भगवान के अंश हैं, जिससे हम अपने आप का अस्तित्व जान सकें। और चेतना, जिसे चित्त बोलते हैं, सत्वम बोलते हैं, और वो महतत्व उनके प्रधान हैं, और जिससे बताया जाता है एबल टू कंसीव स्पेसिफिक नॉलेज, जिससे हम जो है ज्ञान प्राप्त कर सके। तो ये जो है मैंने आपको 11 से 26 श्लोकों में
पूरा वर्णन किया है। और अभी 27 से 33 श्लोक में जो है बताया गया, 27 28 29 श्लोकों में, कि कैसे ये जो विराट रूप है वो हमारे शरीर के समान है, जैसे हमारा सर है, हमारे पैर है और हमारा पेट है, तो वो जो है तीनों के साथ उसका वर्णन किया गया है। तो और फिर बताया गया 30 से 33 श्लोकों में कि कैसे जो विराट रूप है वो हमारे मुख, हमारे हाथ, हमारे झांगे और या पेट और हमारे इसके समान है, पैर के समान है। तो ये हमने पहले भी चर्चा किया गया है। तो जो ब्राह्मण है उन्हें सर के समान बताया गया है, क्षत्रियों को हाथ के समान बताया गया है, वैश्य को पेट के समान बताया गया है और शूद्र को पैर के समान बताया गया है। तो जो शूद्र होते हैं उनका एक कार्य होता है कि सबकी सेवा करें, जैसे चरणों का, पैर का कार्य होता है यहाँ वहां जाए, फिर पेट का कार्य होता है पूरे शरीर को संतुष्ट करें। तो वैसे ही वैश्य का कार्य है कि वो जो है बिजनेस में लगे और जिससे वो पूरे के पूरे क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्रों की सेवा करें। और आर्म्स जो हमारे हाथ हैं, उन क्षत्रियों का ये कार्य रहता है कि चोर और डकैत से पूरे जीवों को बचाए। और जो सर होता है उसका एक कार्य होता है जो गुरु माने जाते हैं, क्योंकि वो सोचने का कार्य करते हैं और वो सोच के जिस तरह से कार्य सोचते हैं उस हिसाब से शरीर पूरा कार्य करता है। तो जो ब्राह्मण है वो सर के समान है, वो बुद्धिमान लोग होते हैं जो मार्गदर्शन करते हैं पूरे शरीर को अर्थात पूरे समाज को, वो सही तरह से आपको बताते हैं हमें क्या कार्य करना चाहिए और क्या कार्य नहीं करना चाहिए। तो ये जो है 30 से 33 श्लोकों तक वर्णन है। और फिर जो है अंतिम श्रेणी में आता है 35 से 40 श्लोक। तो ये जो 6 श्लोकों का क्रमांक है उसमें मैत्रेय मुनि जो है वो बोल रहे हैं कि मैं जो है योग्य नहीं हूँ भगवान की लीलाओं का वर्णन करने के लिए। तो नम्र भाव से वो नम्रता पूर्वक ये बोल रहे हैं कि मैं योग्य नहीं हूँ। तो वो हम कल चर्चा करेंगे 35 से 40 श्लोक, और उसके बाद जो है हम 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे जहाँ पे विदुर जी जो है और प्रश्न पूछ रहे हैं और वो हम सब सुनेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जो एकत्रित हुए आज भागवतम कथा के लिए। तो कल सुबह 6 बजे हम लोग जपा के लिए मिल रहे हैं। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा जितने लोग कथा सुन रहे हैं वो लोग सब जपा के लिए भी आइए अगर संभव हो सके तो दूसरों को भी प्रेरणा देगा। और फिर हम शाम को 4 बजे भागवतम में फिर जुड़ेंगे और आगे कथा सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। हरे कृष्णा।